सरेराह उठाई गई लड़की। घंटों बीत जाने पर भी नहीं मिला सुराग। मां ने जताई अनहोनी की आशंका। बैंक आते समय कार सवार बदमाशों ने उठाया। जालौन जिले में बीते दिन एक ऐसा कांड हुआ कि अब घर से निकलने पर हर लड़की और हर औरत सहमी हुई है। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें भी दिन दहाड़े उठा न लिया जाए, जिस तरह उस लड़की को उठाया गया जो बैंक काम करने जा रही थी। हो सकता है उसी तरह किसी भी औरत को उठा लिया जाए। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे उस लड़की का परिवार हर पल दहशत के साय में जी रहा होगा। वो माँ सबसे अब अनहोनी की आशंका जता रही है। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी के साथ किसी खौफनाक वारदात को अंजाम न दे दिया गया हो। ये पूरा मामला जालौन के माधवगढ़ का है। यहाँ ग्राम चितौरा में रहने वाली एक लड़की सुबह सुबह अपने घर से करीब 8 बजे निकली। बताया जा रहा है कि उसका नाम साधना कुशवाहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। साधना स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा में प्राइवेट काम करती है। साधना की मां के मुताबिक साधना रास्ते में अपनी मौसी से फोन पर बात करते हुए ऑफिस जा रही थी, तभी तमंचे के बल पर कुछ लोग उसे कार में भरने लगे। साधना की मां की माने तो साधना ने अपनी मौसी से बताया भी कि उसे कुछ लड़के गाड़ी में भर रहे हैं, लेकिन साधना की मौसी को लगा कि बच्ची मजाक कर रही है। इसके बाद फोन कट गया, लेकिन जैसे ही मौसी ने दोबारा कॉल करना शुरू किया, साधना का फोन ऑफ आने लगा। इससे साधना की मौसी घबरा गई और तुरंत साधना की मां को सारी बात बताई। इसके बाद साधना की मां पुलिस के पास पहुंची और बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई। मौसी से बात करा जा रही मौसी ने मजाक समझे कि मौसी को मत पकड़ रहा बोला लड़का पकड़ रहे लाल निकाल रहे मौसी ने फिर फोन लगा उससे फिर फोन स्विच ऑफ जान लगा फिर भी नहीं हमें करो कि दीदी तुम काम नहीं जाओ रही हो तेरे एक ही भी अभी आज साधना की मां ने मीडिया को बताया कि उनका किसी से कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं है। इस कांड को किसने अंजाम दिया उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। हमारी बेटी आ रही थी इससे बैंक तो कितने कर लो रास्ता हम पकड़ लो किसने कर लिया पता नहीं कुछ निकल लो किसने निकल लो पता ही नहीं है कौन ने करो है कौन नहीं करो है। अब लड़की कौन लगती है हमारी लड़की है। कितने बजे की घटना है 8 बजे बुरा नहीं लगा हमारा को उसने लड़ाई भड़ाई को उसने बैंक में जाती सुबह आ रही थी पैदल आती पैदल ही जाती। इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक साधना का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं इस मामले पर जब एसपी से बात की गई तो उन्होंने जो बताया वो इस केस का बदले का एंगल बना रहा है। एसपी की माने तो साधना के पिता को कुछ दिन पहले ही पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा गया है। ऐसे में अब साधना का गायब होना बड़ा सवाल बन गया है। ये आज सुबह का मामला है। लगभग 8:30-9 बजे के मध्य सूचना मिली थी कि 19 वर्षीय लड़की जो कि थाना माधोगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, उसके परिजनों ने सूचना दी थी कि उसने फ़ोन करके बताया है कि कोई उसको लड़के ले गए हैं। तो इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। CCTV फुटेज के माध्यम से चीज़ें देखी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि लड़की के पिता जो हैं ये कुछ समय पहले लगभग 10-12 दिन पहले एक प्रकरण में महिला संबंधी प्रकरण था पॉक्सो का मामला था, जिसमें वो जेल में इस समय निरुद्ध हैं और उनको जेल भेजा गया था। और आज ये घटना प्रकाश में आई है, तो इस पर हम लोग सभी संज्ञान लेकर कार्रवाई इसमें की जा रही है। सभी पहलुओं पर हम जाँच कर रहे हैं। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाए। एसपी ने इस मामले में 4 टीमें बनाई हैं जो लगातार लड़की की खोजबीन में जुटी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका पता न चल पाने से साधना का परिवार भी परेशान है और पुलिस भी पशोपेश में पड़ी हुई है। जालौन से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अली जावेद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।